दो बार की T20 वर्ल्ड कप विनर यानी वेस्ट इंडीज की टीम अनाउंस हो चुकी है T20 वर्ल्ड कप के लिए 2024 के लिए। पूरी टीम क्या है हम बता देते हैं। टीम की बात की जाए, टीम में आपके जो जो हैं, जैसे कि रोमन पॉवेल इनके कैप्टन हैं, दो बैटर हैं इनके पास, सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर इनके पास हैं, सिमरन हिटमायर, ब्रेंडन की इनके बैटर हैं मेन, और ऑलराउंडर में रोमन पॉवेल, रसल की बात कर लो, रोस्टन चेस, जेसन होल्डर, रॉबर्ट सफर्ड एंड सैमरन रदरफोर्ड, इनकी ये ऑलराउंडर है। सारे बॉलिंग बैटिंग सब कर लेते हैं। विकेट कीपर में निकोलस पूरन, जॉनसन चार्ल्स एंड साई होप, तीन विकेट कीपर जा रहे हैं। बॉलर्स में अलजारी जोसफ, अखिल हुसैन, समर जोसफ एंड गुदेक मोती, ये इनकी टीम है। टीम ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी है, बस चलने की बात है। वेस्ट इंडीज चल गई तो कोई हरा नहीं सकता है। इनके पास पावर पूरा ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक मार धूड़ धाड़ धक सब करने वाले प्लेयर हैं। और सुनील नारायण थोड़ा रहता तो यार अच्छा रहता, बट सुनील नारायण के इस टीम में खलेगी। आप लोग क्या सोचते हो, अगर सुनील नारायण इस टीम में होते तो टीम कैसे दिखती? टीम तो बहुत तगड़ी दिखती अगर सुनील नारायण टीम में होते तो। पर ठीक है यार, आप देखोगे सिमरन हिटमायर आईपीएल में, इनके पास निकोलस पूरन की अच्छी फॉर्म है, रॉबिन पॉवेल अच्छा खेल रहे हैं, एंद्रे रसेल अच्छा खेल रहे हैं, अलजारी जोसफ जो आप क्या कहते हैं आरसीबी से उतना खास नहीं, साई ओप की बल्लेबाजी अच्छी है जो अभी दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेल रहे हैं, समर जोसफ जो मतलब अभी लखनऊ की तरफ से खेल रहे हैं, मतलब ओवरऑल टीम देखा जाए, जेसन होल्डर, रोशन चेस, ओवरऑल टीम बहुत तगड़ी टीम है इनकी। अभी क्या आईपीएल क्या T20 वर्ल्ड कप खुद के मतलब घर में हो रहा है, क्या जीत पाएंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात है। उसी के हिसाब से ये टीम भी बना रखे हैं। टीम भैया अखिल हुसैन की बात की, स्पिन गेंदबाजी संभालेंगे जो इनके मेन स्पिन गेंदबाजी है। ओके, तो ये ही कहूँगा कि यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ यार जाके सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।